हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हमें इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने थे, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समथिंग टू नो में फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हमें दो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बताने एनर्जी के, तो हम इसे लिख सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं दोनों, और ये दोनों क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोलर, या फिर सन की हीट लिख सकते हैं, या फिर विंड एनर्जी, कोई भी ऐसा सोर्स लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं विंड एनर्जी। उसके बाद द प्रोसेस इन विच कोल इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, हम उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। स्ट्रॉन्गली हीट करना कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इन ऑयल वेल डैश इज ऑलवेज फाउंड अबव द लेयर ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की लेयर के ऊपर हमेशा नेचुरल गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस जो होती है वो हमेशा पाई जाती है अबव पेट्रोलियम ऑयल वेल्स में। उसके बाद डैश इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो लिक्विड कौन सा होता है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, कोल टार, इट्स कोल टार। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स आर रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, तो ये फॉल्स है, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो रिन्यूएबल नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट, एंथ्रासाइट हैज हायर कार्बन कंटेंट दैट लिग्नाइट, ये ट्रू है, एंथ्रासाइट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। कोक कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस, ट्रू। नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर्स, नेचुरल गैस बिलो नहीं अबव होती है, फॉल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, तो ये ट्रू है, बर्निंग जब होती है फॉसिल फ्यूल्स की तो काफी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट, द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। कोक एंड कोल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जनरली हैव द सेम कंटेंट ऑफ वॉलेटाइल मटीरियल, सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, नहीं सेम परसेंटेज नहीं होता, डिफरेंट परसेंटेज कार्बन होता है लेकिन सेम कंटेंट वॉलेटाइल मटीरियल का नहीं होता। यहाँ पे सेम परसेंटेज कार्बन है ये भी नहीं होता, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, तो ये हमारा आंसर होगा डी, मतलब जो उसमें वॉलेटाइल मटीरियल है वो भी अलग अलग होता है और परसेंटेज ऑफ कार्बन भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट ऑब्टेंड थ्रू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से हमें कोल गैस नहीं मिलती, आंसर विल बी कोल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन से टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, बाकी सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ऊपर हमारी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम आंसर डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म फ्यूल, तो फ्यूल क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट इज बर्न्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट और पावर, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो बर्न होता है और किस लिए बर्न होता है, हीट और पावर के लिए, मतलब हीट देने के लिए या पावर देने के लिए जो सब्सटेंस बर्न किया जाता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। ये होगी फ्यूल की हमारी डेफिनेशन। टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेम एनी टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, तो हम दो रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी नाम दे सकते हैं, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, और भी काफी सारी होती है, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बहुत सारी होते हैं, वेव एनर्जी। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म कार्बनाइजेशन, तो कार्बनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल्स इनटू कोल, जो डेड प्लांट के जो मटेरियल्स बचे कुछ रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स के, उनका कोल में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द थ्री मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो वो थ्री मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनते हैं कोल के, इट इज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये तीन प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड होते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है और ये गैस होता है। नेक्स्ट, स्टेट टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें एसफाल्ट के और पैराफिन वैक्स के दो दो यूजेस बताने हैं, तो एसफाल्ट के दो यूजेस होते हैं, यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड सेकेंड होता है कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, रोड्स बनाने में यूज होता है और इलेक्ट्रिक पोल्स की अंडर साइड बनाने में यूज होता है।
नेक्स्ट पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक ग्रीस की तरह यूज किया जाता है और वो वैसलीन एंड ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी। एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म बेसिकली हम सबको पता होती है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पीएनजी हमारे लिए नया वर्ड है इस वक्त। पीएनजी होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, मतलब वो गैस जो पाइप के थ्रू ट्रांसफर करी जा सकती है अलग अलग जगहों पे, उसे हम कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी। यहाँ पे हमारे ब्रीफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। इस चैप्टर के काफी छोटे थे ये वाले क्वेश्चन आंसर्स, ये इजीली याद हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। तो हमें कोल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कोल फॉर्मेशन होता क्या है। कि जब भी कोई प्लांट मरता है तो उसके पार्ट्स उस जगह पे फॉल कर मतलब गिर जाते हैं उस जगह पे। फिर ओवर द ईयर्स क्या होता है, उसके ऊपर मिट्टी की रेत की लेयर चढ़ती रहती है, ठीक है। अब मतलब वो क्या होता है, वो धीरे धीरे धरती के अंदर जाते रहते हैं। अब जैसे जैसे वो अंदर गए, उसमें क्या होता है कि हीट जो होती है वहाँ का, टेम्परेचर जो होता है, वो लावा जो हमारे अर्थ के कोर में जो लावा बह रहा है उसकी वजह से गर्माहट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके डेड रिमेन्स के ऊपर जो मिट्टी इकट्ठा हो रही है उससे प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब इस टेम्परेचर और प्रेशर की बढ़ने की वजह से उसके में चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे क्या होता है वो डेड रिमेन्स कोल में चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, कि जब भी प्लांट, व्हेन अ प्लांट डाइड, जब वो प्लांट मरा तो उसके जो प्लांट के रिमेन्स हैं वो गेट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट। फिर ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे लार्ज पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है मिलियंस ऑफ ईयर्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज प्लांट रिमेन्स वर चेंज थ्रू जियोलॉजिकल एक्शंस। जियोलॉजिकल एक्शंस यहाँ पे अभी आगे बताता हूँ कौन से हैं, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल। जियोलॉजिकल एक्शंस का यहाँ पे मतलब है हाई टेम्परेचर ड्यू टू लावा एट द कोर ऑफ अर्थ। हाई टेम्परेचर क्यों हुआ, लावा की वजह से, और प्रेशर क्यों हुआ, जो उसके ऊपर रॉक्स और सॉइल हैं, जो रॉक्स बने हैं उसके ऊपर और जो सॉइल है उसके ऊपर, उसकी वजह से प्रेशर की। तो इन दोनों जियोलॉजिकल एक्शंस की वजह से ये कोल में चेंज हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। क्वाइट इजी। लिग्नाइट क्या होता है, कार्बन कंटेंट 38% होता है इस तरीके के कोल में। लिग्नाइट टाइप जो होता है कोल का, उसमें 38% कार्बन कंटेंट होता है, और ये रिगार्ड किया जाता है एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, ठीक है। और ये यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस में 65% कार्बन होता है। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में भी, ये भी पावर जनरेशन, ये भी पावर जनरेशन में यूज होता है, एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक। कोक बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं, मतलब जैसे कोल है तो वो कौन से टाइप का कोल है जिसका हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके कोक कोल गैस बनाते हैं, दैट इज बिट्यूमिनस। मतलब अगर हम बिट्यूमिनस कोल का अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें कोक ऑब्टेंड हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ डू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर इन नेचर। नेचर में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे अकर करते हैं, तो इसमें आज हमारे दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है पेट्रोलियम कैसे फाउंड होता है। पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। ये मॉडरेट डेप्थ पे पाया जाता है 500 से 2000 मीटर के बीच में, बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस रॉक्स की दो लेयर्स होती हैं और उनके बीच में यहाँ पे पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इसके जस्ट ऊपर ये जो जगह बची है ये गैस कवर करती है, दैट इज नेचुरल गैस। कहाँ पाई जाती है नेचुरल गैस, फाउंड जस्ट अबव पेट्रोलियम, ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। मतलब रॉक कैप के और पेट्रोलियम लेयर के बीच में जो जगह बची है वहां पे नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि पेट्रोलियम बनता कैसे, जैसे हमसे टेक्स्ट बुक में पूछा है कोल कैसे बनता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में पेट्रोलियम कैसे बनता है ये नहीं पूछा है, तो ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ले आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जैसे कोल बनता है प्लांट के रिमेन से, वैसे ही पेट्रोलियम बनता है सी एनिमल्स, मतलब जो फिशेज वगैरह होती हैं उनसे। मतलब जब फिशेज वगैरह डेड हो जाती हैं तो उनकी बॉडी क्या कहते हैं, वाटर के एकदम डेप्थ में चली जाती है, सी के एकदम नीचे चली जाती है। अब वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता है वाटर का और टेम्परेचर ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द लावा ऑफ अर्थ। तो वहाँ पे इतनी हाई प्रेशर में, इन द एब्सेंस ऑफ एनी लाइट, मतलब वहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं होती, तो उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं और फिर वो एनिमल के रिमेन्स पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, तो वो क्या क्या हैं, यहाँ पे मैंने 6 एडवांटेजेस मेंशन किए हैं। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू।
कैलोरीफिक वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट अ फ्यूल प्रोड्यूसेस, 1 kg ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस व्हेन इट इज बर्नड इन प्योर ऑक्सीजन. कंबशन चैप्टर में पढ़ा था और अभी शायद पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. नेक्स्ट, इट बर्न्स रेडिली, मतलब ये बहुत जल्दी बर्न कर जाता है. इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहता है, ये पाइप्स के थ्रू ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. इट इज अ क्लीन फ्यूल एज इट डजंट रिलीज मच हार्मफुल गैसेज. ये औरों के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल सी हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, मतलब पता भी नहीं चलता है इतनी बहुत कम हार्मफुल गैसेस ये प्रोड्यूस करता है. इट इज अवेलेबल इन बल्क इन नेचर, मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है फिलहाल नेचर में. और मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊं तो ये फिलहाल अगर हमारे पास अभी इतना सीएनजी है कि मतलब नेचुरल गैस है कि इट विल लास्ट टिल 230 ईयर्स, सो दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसके बाद इट इज लेस एक्सपेंसिव देन अदर फॉसिल फ्यूल्स, ये और दूसरे फॉसिल फ्यूल से थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, पेट्रोल डीजल से कम एक्सपेंसिव होता है ये. उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड देयर अवेलेबिलिटी इन नेचर, एक्सप्लेन द नीड ऑफ यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम ज्यूडिशियसली. तो ये एक तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि हम कैसे कोल और पेट्रोलियम का यूज ज्यूडिशियसली कर सकते हैं और हमें क्यों करना चाहिए. एक्चुअली यही पूछा है कि क्यों करना चाहिए कोल और पेट्रोलियम का यूज ज्यूडिशियसली, मतलब सोच समझ के, ऐसी नहीं है कि हम ऐसी हवा में उड़ा रहे हैं, तो सोच समझ के क्यों करना चाहिए. तो इसीलिए करना चाहिए बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि आपको पता है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, सो इतना जल्दी तो ये फिर से रिन्यू हो नहीं सकते, तो इनको एक तो बनने में बहुत सारा टाइम लगता है. तो अगर हम इनका जुडिशियसली यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, इट विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कोल और पेट्रोलियम बच जाएंगे. इट अवॉइड्स द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. अब कोल एंड पेट्रोलियम यूजफुल तो है बहुत ज्यादा, लेकिन ये बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं जिससे पॉल्यूशन होती है. तो अगर इनका यूज कम होगा और इसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव्स यूज होंगे तो ऑफकोर्स एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अलग अलग जितनी भी पॉल्यूशन होती हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी. यही बोला है फोर्थ पॉइंट में, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये इनको रिप्लेस करना चाहिए बाय ऑल्टरनेटिव सच एज सोलर एनर्जी, जो हमें सूरज से एनर्जी मिलती है. अब वो कहीं खत्म नहीं होती, कभी सूरज खत्म नहीं हो रहा ऐसे, तो उसकी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं और उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता. जियोथर्मल एनर्जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. जियोथर्मल एनर्जी मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स में जो गर्माहट होती है उसकी एनर्जी यूज करना. जो रॉक्स होती हैं, मतलब आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो हमें पता है जितनी भी हमारी ये अर्थ है, जो अर्थ का क्रस्ट है, सॉलिड क्रस्ट है, उसके जो नीचे रॉक्स होती हैं वो काफी गर्म होती हैं. तो गर्म रॉक्स क्या करती हैं, अगर थोड़ा सा भी पानी उनमें, जो पुराना पुराने समुद्रों में जो पानी होता है वो वहां जाके क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट हो जाता है, वो वेपर्स की फॉर्म में बन जाता है और वो वेपर्स उन्हीं रॉक्स में अटकी रहती हैं. तो अब जैसे ही हम उन रॉक्स को तोड़ते हैं तो बहुत हाई प्रेशर से वो गैस निकलती है, बहुत हाई प्रेशर से, और उस हाई प्रेशर को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए. सो दैट इज जियोथर्मल एनर्जी. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इट इज जस्ट अ नेम जो आपको रिमेम्बर रखना है, जो आपको याद रखना है. उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने में जो एनर्जी यूज होती है इसको हम अच्छे चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं. एंड विंड एनर्जी काफी कॉमन है. उसके बाद हमारी आ जाती है सी से हमारी वेव एनर्जी, जो वेव से हमें एनर्जी मिल रही है, टाइड्स से जो एनर्जी मिल रही है. तो ये ऑल्टरनेटिव्स का हमें यूज बढ़ाना चाहिए एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स एक तो खत्म हो जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं बहुत और काफी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट बुक के हिसाब से तो कंप्लीट हो चुका है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस पूरी कर ली हमने. अब हमारा बचा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे.